यह कैसे संभव है कि जब यह हर इंसान जानता है कि शरीर निश्वर है, लेकिन ऐसे जीता है जैसे मौत हमारे पास नहीं आएगी? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़े आते हैं जबकि हमारे नज़दीकी हमें सदा सदा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। इंसान यही सोचता है कि वो हर समय शरीर के साथ जुड़ा रहेगा, हालांकि धर्म ग्रंथ हमें बार बार समझाते हैं कि ये मौका हमें मिला है अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए। लेकिन हम जब इस दुनिया में जी रहे होते हैं तो दुनिया का खिंचाव और जो जिन्हें हम नज़दीकी समझते हैं उनका जो प्रेम है वो हमें इतना मस्त कर देता है कि हम कभी सोचते ही नहीं कि इस दुनिया से हम कभी अलग होंगे। तो बार 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 महापुरुष ही समझाते हैं कि हम जाने कि हम में से हर एक को इस शरीर को एक दिन छोड़ना है, और ये सुनने के बावजूद भी हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे औरों को तकलीफ़ हो जाएगी पर हमें नहीं होगी, औरों की मृत्यु हो जाएगी पर हमारी नहीं होगी। और इंसान ऐसे ही जीता रहता है क्योंकि उसके अंदर हमें है, ईगो है। हर एक इंसान सोचता है कि मेरे साथ कुछ ख़राब नहीं होगा, मैं सही रहूँगा, औरों के साथ चाहे जो मर्जी हो जाए। और इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में जबकि हम सबको मालूम है कि एक न एक दिन हमने इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देना है, और जितना समय हमें इस शरीर में मिला है उसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, अभ्यास करें, सबके साथ जुड़ें, अंदर के मंडल में बढ़ें। इतनी जानकारी होते हुए भी हम सब ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारे साथ कुछ होगा नहीं और हमारे पास समय समय है, सारा समय अपना बाहर की चीज़ों में गुजार देते हैं, और जिस कार्य से हम यहाँ आए हैं उस ओर ध्यान ना देते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये हमारी हमें है जो हमें इस अवस्था में पहुँचा देती है। आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने पर क्या हमें केवल भजन अभ्यास में मग्न हो जाना चाहिए? अगर हम फाइनेंशियली साउंड हैं और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली की तरफ या और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी हो गई हैं, तो हम फिर अपना पूरा समय प्रभु की याद में गुजार सकते हैं। जितना ज़्यादा ध्यान प्रभु की ओर करेंगे उतना ही उनकी हम नज़दीकी पाएंगे। तो हमें अपना घर बार छोड़ कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पिता परमेश्वर तो कण कण में समाये हुए हैं। हम जहाँ भी रहते हैं हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, और जब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ना हो और हमारी फैमिली की ऑब्लिगेशन ना हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय इंसान भजन अभ्यास में, प्रभु को याद करने में, प्रभु को पाने के लिए डाल सकता है। और जितना ज़्यादा समय हम डाल पाएंगे उतना ही हम देखेंगे हमारी तरक्की रूहानियत के रास्ते पर तेज़ी से होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता परमेश्वर की खोज में, उनकी याद में गुजारें, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हमारी हरी भरी हो जाएगी। भजन अभ्यास के दौरान नींद पर काबू कैसे पाएं?
कई बार ऐसा होता है कि जब हम अभ्यास करने को बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत नींद आ रही है। ज़्यादातर उस स्टेट में हम तब पहुँचते हैं जबकि हमारा शरीर बहुत थका हुआ हो। इस करके ये ज़रूरी है कि हम जब भी अभ्यास पर बैठें ये देखें कि हमारा शरीर थका ना हो। सुबह का समय पुराने टाइम से इसीलिए अभ्यास के लिए कहा जाता था कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोग विलेजेस में रहते थे, तो जैसे सूरज डूबता था, अंधेरा होता था, तो लोग सो जाते थे। तो अगर आप 7-8 बजे सो गए तो 3 बजे सवेरे उठना आसान है। वो शांति का समय था, शरीर को इनफ रेस्ट मिल गया और वो फिर अभ्यास में इंसान आराम से बैठ सकता है। आजकल के टाइम में जबकि बिजली के आने के बाद चीज़ें बहुत लेट लेट तक चलती हैं, तो उसमें अगर शरीर आपके को इनफ रेस्ट नहीं मिलेगा तो जब आप अभ्यास करने के लिए बैठेंगे आपको नींद आ जाएगी। अपने आप को अभ्यास के लिए जब आप बैठाओगे तो नींद ना आए उसके लिए आप अभ्यास में बैठने से पहले नहा सकते हैं। जब इंसान नहाता है तो उसके जो पोर्स हैं वो खुलते हैं और फिर उसकी नींद परे हो जाती है। कोशिश कीजिए कि आपके शरीर को इनफ रेस्ट मिला हो जब आप अभ्यास करें, और जब आपका शरीर वेल रेस्टेड होगा तो आप देखेंगे अभ्यास में आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और आप फिर अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे और नींद आपसे परे रहेगी। कृपया बताएं कि हमारी ईटिंग हैबिट्स यानी खान पान की आदतों का हमारे मेडिटेशन यानी भजन अभ्यास पर क्या असर पड़ता है? जिस किस्म का हम खाना खाते हैं उसका असर हमारे शरीर में होता है, और क्योंकि हमारी रूह हमारी आत्मा शरीर में बस रही है, तो जो हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, उस पर असर पड़ता है कि हम इस शरीर में किस किस्म का खाना डाल रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी छोटी सी उम्र से ही जान गए थे कि किस किस्म का खाना खाना चाहिए, तो फरमाया करते थे कि इस शरीर को हम कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहते। अगर हम मीट मछली अंडा या जिन चीज़ों में ये चीज़ें पड़ी हों उनको इस शरीर में डालेंगे, वो खाना खाएंगे, तो जो उस जानवर में या मच्छी में जो भाव होंगे वो हमारे अंदर भी आते हैं और हलचल हमारे अंदर और ज़्यादा पैदा होगी। तो अभ्यास करने के लिए हमें शांत होना है। जो भी चीज़ हमारे अंदर हलचल पैदा करेगी उससे हमें दूर होना है। इसीलिए महापुरुष बार बार समझा गए हैं, हम एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करें जिसमें कि हम किसी भी जानवर या मछली या किसी और जहाँ पर जीव हों उसकी हत्या ना करें, ताकि हमारे अंदर शुद्ध से शुद्ध चीज़ें जाएं। प्रभु ने बहुत सी सब्जियां, फल, गेहूं, अनाज ये धरती पर उगने के लिए दिए हुए हम सबको, और उनका हम इस्तेमाल करें तो हम फिर किसी जानवर या मछली की जान नहीं लेते हैं। तो हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जो कि हमारे अंदर हलचल पैदा ना करे, जो हमें शांत रखे, और एक जो शाकाहारी जीवन है वही हमें शांत रखता है, वही अभ्यास करने के लिए बेहतर है। और जब शरीर शांत होगा तो मन को शांत इंसान सिमरन के जरिए करता है तो उसका अभ्यास बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है कि किस किस्म का हम खाना खाते हैं। तो हमें प्रभु को पाने के लिए, अपने आप को अंदर की दुनिया में बढ़ाने के लिए एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करना है।
हम कठिन परिस्थितियों में कैसे शांत रह सकते हैं? हर एक की जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, और जब भी हमें लगे कि हमारी जिंदगी में बहुत हलचल है, तो हमें सोचना चाहिए कि कहाँ से हमें शांति मिल सकती है। दुनिया की किसी भी चीज़ की ओर जाएंगे तो उसमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, सब में हलचल ही हलचल है। तो अगर हम अपने आप को बाहर की दुनिया में शांत करने की कोशिश करेंगे तो वो नामुमकिन है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, जो सृष्टि के शुरुआत से चल रहा है, आज भी चल रहा है, सृष्टि के आखिर तक रहेगा। उस शब्द के साथ हमने जुड़ना है। अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम शांत हो पाएंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जिसमें कि हम अंदर की दुनिया में बाकायदगी से रोज़ाना बढ़ते चले जाएं। जैसे जैसे हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बाहर की दुनिया में चाहे हमारे को कितनी भी तकलीफें हों, लेकिन हमारे अंदर जो शांति का स्रोत है उसके साथ जब हम जुड़ेंगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत रहेगी, तकलीफ़ों से दूर रहेगी। जैसे अगर बाहर गर्मी हो या सर्दी हो, और अगर आपके घर में एयर कंडीशन लगा है तो आपको सर्दी या गर्मी लगती नहीं, ऐसे ही बाहर की दुनिया में कुछ भी हलचल हो सकती है, लेकिन अंदर की दुनिया एयर कंडीशन है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं वहाँ पर शांति शांति है। तो जितना ज़्यादा हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ उतना ही हम देखेंगे कि बाहर की तकलीफ़ों को हम आसानी से सहन कर पाएंगे और उनमें से गुजर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। जब आपकी आँखें आई बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस हों। आँखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और वहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।